एनिमे एक ऐसी दुनिया है जो कि बॉलीवुड हॉलीवुड या वेब सीरीज से काफी ज्यादा ऊपर आती है, क्योंकि एनिमे में हर चीज जो दिखाई जाती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। एक्शन सीन्स काफी ज्यादा धमाकेदार होते हैं, 5-10 एपिसोड लगते हैं हर चीज को दिखाने के लिए। ये लॉजिक वो लोग समझ पा रहे होंगे जो कि एनिमे देखते हैं। और जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है ना और लोगों के पास खाली टाइम आ गया है, तब से शुरू होता है इंडिया में एनिमे बूम होना। वैसे एनिमे देखने में मजे तो बहुत आते हैं, लेकिन सोचो अगर वही एक्शन खुद करने को मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होगी। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी एनिमे गेम्स जो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एनिमे के फैन हो तो आपको जरूर खेलने चाहिए। वैसे एनिमे के गेम्स तो 10 से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन ये 10 वो गेम है जो कि मेरे ओपिनियन में टॉप 10 का स्पॉट डिजर्व करती है। आपका फेवरेट एनिमे गेम कौन सा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि गेम्स गॉसिप पर आपको मिलता रहेगा ऐसी क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। ब्लीच एक ऐसा एनिमे है जिसमें तगड़े एक्शन देखने को मिलता है, ऐसी फाइटिंग मिल जाती है जो शायद ही किसी एनिमे में देखने को मिली होगी, और वहीं इसका गेम सोचो खेलने में कितना ज्यादा मजा आएगा। ब्लीच ब्रेव सोल्स एक एक्शन से भरपूर सिंगल प्लेयर ऑफलाइन गेम है। ये गेम काफी पॉपुलर है और इसके डाउनलोड 10 मिलियन से भी ज्यादा है। इस गेम में आप अपने फेवरेट प्लेयर के साथ खेल सकते हो। गेम के ग्राफिक्स और डिटेलिंग काफी अच्छे हैं। जैसे जैसे आप गेम खेलते रहोगे ना, आप नए नए करेक्टर्स को अनलॉक करोगे और अलग अलग बॉसेस से भी लड़ोगे। ब्लीच ब्रेव सोल्स मोबाइल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे गेम्स में से आता है, यहाँ तक कि इसके एनिमेशन भी काफी अच्छे हैं और आपको इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए। माय हीरो एकेडमिया, क्या आप इस एनिमे के बारे में जानते हो? इस एनिमे में एक बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है जो कि टीवी में एक हीरो को देखता है जिसका नाम है ऑल माइट। वो हर मुसीबतों से विलेंस का सामना करके हंसते हंसते लोगों की जान बचा लेता है, और उसको देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डेकू भी उसी तरह बनना चाहता है। तो माय हीरो वांट्स जस्टिस 2 गेम की स्टोरी प्रोविजनल हीरो लाइसेंस एग्जाम आर्क से लेकर शेई हजाएगा की आर्क तक की है। इससे पहले वाली आर्क इसके पहले गेम में कवर की गई थी। ये पीसी और कंसोल बेस्ड गेम है एंड इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं। अगर आपको माय हीरो एकेडमिया अच्छा लगता है ना तो ये गेम आपको काफी पसंद आएगा। अगर कोई भी एनिमे देखता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे नारुतो का नाम ना सुनाओ। इस एनिमे में एक लड़के की स्टोरी बताई गई कि वो कैसे विलेज हेड बनता है। नारुतो शिपुडेन अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4 में भी सेम एनिमे वाली स्टोरी है, जिसमें सारे विलेज एक साथ जुड़कर अकात्सुकी से फाइट करेंगे जो कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस गेम की स्टोरी भी बिल्कुल एनिमे से ली गई है, जिसमें स्टार्टिंग में हमें नाइन टेल फॉक्स से लड़ना होता है, वो भी हिरुजन सारुतोबी कैरेक्टर के साथ। अगर आप नारुतो के फैन हो तो ये गेम आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी एंड आप इसमें आराम से घूम सकते हो, वो भी अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ, क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है। यहाँ तक कि इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं। जो इसमें नारुतो और सास्के की फाइट दिखाई गई है ना, उसका तो अलग ही फैन बेस है। ये गेम नारुतो अल्टीमेट सीरीज का 6th और लास्ट गेम है। इस गेम में बोरुतो और नारुतो द लास्ट मूवी से भी कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे टोनेरी और मोमोशिकी। आप इसे पीसी और कंसोल्स पर खेल सकते हो। वन पीस वर्ल्ड सीकर एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जो कि मांगा और एनिमे सीरीज की स्टोरी पर है। इसको डेवलप किया है गैनबेरियन ने। ये अपनी फ्रेंचाइज का पहला ऐसा गेम है जो कि ओपन वर्ल्ड है। इसमें हम एक करेक्टर के साथ खेल सकते हैं जो कि वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है, और आपने अभी तक उसका नाम सोच ही लिया होगा। अगर आपने लफी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हो। इस गेम का मैप प्रिजन आइलैंड में है जो कि न्यू वर्ल्ड में लोकेटेड है। ये गेम में टोटल 19 चैप्टर्स हैं, जिसके बाद हम 3 और करेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं। अगर आपने वन पीस एनिमे देखा या पसंद है तो आपको इस गेम को खेलना चाहिए, लेकिन ये एक पीसी या कंसोल बेस्ड गेम है। इस सीरीज के नाम के बिना तो ये लिस्ट अधूरी है। ड्रैगन बॉल कैकेरोट एक ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम है जिसे डेवलप किया है साइबर कनेक्ट 2 ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक गेम है। ये गेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, PS4 और एक्सबॉक्स 1 के लिए आया था 2020 में। इस गेम के मेन कैरेक्टर्स गोकू और जी फाइटर्स हैं। जैसे कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है तो इसमें हम अपने ओपोनेंट से लड़ सकते हैं, फिशिंग, कलेक्टिंग जी ऑप्स, ईटिंग, ड्राइविंग एन हवर कार, ट्रेनिंग और काफी कुछ कर सकते हैं। गेम की 4 स्टोरी लाइन्स मेन बताई गई हैं, जो कि साइंस सागा, नेमेक सागा, एंड्रॉइड सागा और बू सागा। जितना आप गेम खेलते जाओगे ना उतने नए कैरेक्टर्स अनलॉक होते रहेंगे। अगर आप चाहो तो मैं ड्रैगन बॉल के गेम्स को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करके भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। वन पीस का एक और गेम है, लेकिन ये मोबाइल गेम है जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है, और इसका नाम है वन पीस बाउंटी रश। इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और गेम में हमें ट्रेजर की लूट करनी होती है। ये एक 3D एनिमे बैटल अरीना गेम है जिसमें हम हमारे ओपोनेंट्स का फ्लैग कैप्चर करते हैं। इस गेम में हम अटैक, डॉज, स्पेशल पावर्स यूज कर सकते हैं और अपनी टीम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप वन पीस के फैन हो ना तो इस गेम को पक्का ट्राई करना। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है, इसका गेम भी कुछ ऐसा ही है। अटैक ऑन टाइटन 2 एक एक्शन हैक एंड स्लैश गेम है। हैक एंड स्लैश गेम का मतलब है कि जो गेम्स में लड़ाई मिली बेस्ड वेपन से करते हैं। ये गेम इस सीरीज का सेकंड गेम है। इस गेम की स्टोरी मांगा के पहले 50 चैप्टर्स में से ली गई है और गेम को डेवलप किया है ओमेगा फोर्स ने। इस गेम में हम अपना करेक्टर भी बना सकते हैं ताकि और प्लेयर से इंटरेक्ट कर सके। गेम के डेवलपर्स ने इसकी एंडिंग मांगा और एनिमे से बिल्कुल डिफरेंट की है ताकि इस गेम का स्टोरी मोड कंप्लीट हो जाए। अगर आप इस एंडिंग को देखना चाहते हो तो आपको ये गेम पक्का ट्राई करना चाहिए। क्या कभी आपने ऐसा गेम सोचा है जिसमें आप अपना मनपसंद का एनिमे कैरेक्टर चूज कर सकते
सकते हो और अलग अलग एनिमे वर्ल्ड के एनिमे करेक्टर से लड़ाई कर सकते हो, उनकी पावर्स को यूज करके अपने ओपोनेंट को हरा सकते हो। जंप फोर्स एक ऐसे ही गेम है जिसमें है 40 करेक्टर्स फ्रॉम वो भी 16 अलग अलग एनिमे या मांगा। ये एक एनिमे क्रॉसओवर गेम है जिसमें हम अपना फेवरेट करेक्टर चूज कर सकते हैं। गेम को डेवलप करा है स्पाइक चनसॉफ्ट ने, वो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 के लिए। इस गेम के ग्राफिक्स और स्टोरी भी काफी अच्छे हैं। आप अपनी 3 एनिमे करेक्टर्स की टीम बना सकते हैं और डिफरेंट प्लेयर से लड़ सकते हैं। ये गेम काफी अच्छा है अगर आप लोगों को एनिमे क्रॉसओवर गेम्स पसंद है तो। नारुतो स्लगफेस्ट एक्स एक 3D एक्शन मोबाइल गेम है जो कि नारुतो की एनिमे वाली स्टोरी को दिखाता है। यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट और नारुतो सीरीज के सभी करेक्टर्स मिल जाते हैं। गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और इसी वजह से गेम का साइज भी थोड़ा ज्यादा है, लगभग 2 GB के आसपास का। इस गेम में आप अलग अलग फाइट्स कर सकते हैं, करेक्टर्स को स्विच कर सकते हैं। इस गेम को स्टोरी मोड में आपको असली एनिमे से भी सिनेमैटिक दिख सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल पर नारुतो का गेम खेलना चाहते हो तो ये गेम बहुत अच्छा है, आपको इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। डीमन स्लेयर का नाम सुनते ही इसकी एनिमेशंस की याद आती है, खासकर डेंगुको और अकाजा की फाइट की जो कि म्यूगन ट्रेन आर्क वाली मूवी में दिखाई गई थी। ये मूवी 2020 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। अगर सोचो आपको इसके ऊपर एक गेम खेलने को मिल जाए तो कितने मजे आएंगे। डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा गेम की स्टोरी में म्यूगन ट्रेन आर्क तक कवर किया गया है। इसका मतलब आप डेंगुको वाली फाइट कर सकते हो और अकाजा से लड़ सकते हो। ग्राफिक्स भी काफी अच्छे हैं इस गेम के, तो इस गेम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक पीसी या कंसोल बेस्ड गेम है जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। तो गाइस ये थे वो टॉप 10 एनिमे बेस्ड गेम्स। हो सकता है आपने इन गेम्स में से किसी एक को खेल रखा हो या फिर अगर नहीं खेला तो जरूर ट्राई करना, पर इनके गेम प्लेस देखना यूट्यूब पर। उसके अलावा आपका कौन सा फेवरेट एनिमे बेस्ड गेम है मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट आप कंप्लीट करवा दो ना तो बेस्ट एनिमे बेस्ड गेम्स फॉर मोबाइल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। साथ साथ गेम्स गॉसिप को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे आपको मिलता रहेगा ऐसी हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।